पर आ गई, यानी सीटों की संख्या में तेजी से गिरावट देखी गई। बावजूद इसके मायावती इस बार भी दलित मतदाताओं के दम पर चुनाव में ताल ठोक रही हैं और साथ ही सोशल इंजीनियरिंग के बल पर एक बार फिर यूपी में चुनाव परिणाम बदलने का दावा कर रही हैं। पश्चिम में दलितों को साधने में जुटे सभी दल। यूं तो पश्चिमी यूपी में जाटव, खटीक, भुईयार, पासे, बाल्मीकि जैसे अनुसूचित वर्ग के अलग अलग बिरादरियां हैं, पर इसमें 50% से ज्यादा वोट जाटवों का माना जाता है। यूं तो ये दावा किया जा रहा है कि ज्यादातर दलित इस बार भी बसपा के साथ हैं, लेकिन उनकी संख्या भी कम नहीं है जो बीजेपी या फिर गठबंधन की राह पकड़ सकते हैं। इन मतदाताओं को साधने के लिए सभी दलों ने अपनी ताकत लगा दी है। पहले चरण में 10 फरवरी को आगरा में भी चुनाव है और इस इलाके को दलित बाहुल्य माना जाता है। यहाँ की मेयर रह चुकी बेबी रानी मौर्य को बीजेपी जाटव समाज में बड़ा चेहरा बनाने में जुटी है। आगरा की 9 सीटों में बीजेपी ने पिछली बार सभी सीटें जीत ली थी। पिछले चुनाव में ही दलितों ने बीजेपी के पक्ष में अपना रुझान दिखा दिया था। यही कारण था कि मायावती ने अपना चुनावी आगाज आगरा से ही किया। पश्चिमी यूपी की 34 सीटें ऐसी हैं जहां दलित मतदाताओं की संख्या 10,000 से लेकर 95,000 तक है। बेबी रानी मौर्य जाटव वोट में लगा पाएंगी सेंध। भले ही भाजपा ने 2017 के चुनाव में प्रदेश की 86 सुरक्षित सीटों में से 69 अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन उसके बावजूद उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती इस वर्ग के जाटव वोट हैं, जो अभी भी मायावती के साथ मजबूती से खड़ा हुआ दिखता है। और इसलिए सितंबर 2021 में भाजपा के वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य के इस्तीफे के बाद भाजपा ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी और उन्हें जाटव नेता के रूप में स्थापित करने की कोशिश की। वो पश्चिमी यूपी में भाजपा के जाटव चेहरे के रूप में चुनाव प्रचार कर रही हैं और खुद दलितों की राजधानी के रूप में प्रचलित आगरा की आगरा ग्रामीण सीट से चुनाव लड़ रही हैं। क्या बटेंगे दलित वोट? आम तौर पर एक तरफा वोट देने वाले दलित वोट क्या इस बार बढ़ जाएंगे, क्योंकि उनके सामने मायावती के साथ साथ चंद्रशेखर आजाद और बेबी रानी मौर्य का विकल्प भी है। अब देखना होगा कि मायावती चुनावी मैदान में उतरकर अपने वोट बैंक को बचा पाएंगे या फिर नए चेहरे उनमें सेंध लगाएंगे। स्पेशल डेस्क टोटल टीवी।